हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज यहाँ पर हम मणि मंगल सूत्र बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने ब्लैक सीड बीड्स लिए हैं और ये इस तरह के ब्लैक क्रिस्टल बीड्स है और ये इस तरह के ये गोल्डन बीड्स है छोटी साइज के, और ये बड़ा इस तरह का गोल्डन है। यहाँ पे ये बीड्स कैप ली है, ये देखिए इस तरह की, और ये सिलेंडर लॉक है, ये देखिए इस तरह का। ये नायलॉन का थ्रेड लिया है, ये छोटी साइज की सुई है इस तरह की। यहाँ पे मैंने सुई में 70 सेंटीमीटर का थ्रेड लगाया है। भी यहाँ पे एक ये सीड बीड लेके, ये देखिए इस तरह एंड में लेके इसको फिर से यहाँ नीचे से ऊपर इसमें से सुई निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्टॉप बीड की तरह इसको लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे ये लॉक लेके, ये देखिए इस तरह से इसके अंदर से सुई को निकाल लेना है। इसको एंड तक हमें नहीं लेना है, ये देखिए इस तरह से ये थ्रेड को हमें रखना है, इस तरह से लगाएंगे। अभी हमें इस तरह इसमें ब्लैक बीड्स को लगाते जाना है। यहाँ पे मैंने ये 80 ब्लैक बीड्स लगा लिए हैं। यहाँ हमें जितनी लंबाई चाहिए उतने धागे तक इसको लगाते जाना है। देखिए इस तरह से हमें ब्लैक बीड्स को लगा लेना है। यहाँ पे ये मैंने, ये देखिए 90 सेंटीमीटर तक ये ब्लैक बीड्स को लगा लिया है। आगे में एक छोटी साइज का गोल्डन बीड, फिर ये एक कैप बीड्स कैप, फिर ये ब्लैक कलर का क्रिस्टल, और फिर से ये बीड्स कैप लगा लेना है। देखिए इस तरह से, फिर ये गोल्डन बीड लगाएंगे और फिर से ये एक कैप, फिर ये क्रिस्टल बीड, और फिर से ये बीड्स के आपको लगा लेना है इस तरह से। ऐसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे एक गोल्डन, फिर ब्लैक, फिर गोल्डन, फिर एक ब्लैक क्रिस्टल। यहाँ पे एक बीड्स कैप और ये बड़े साइज का गोल्डन बीड्स, और आगे में फिर से बीड्स कैप लगाएंगे इस तरह से। इसको सेंटर में लगाना है, देखिए ऐसे। अभी इसी तरह से हमें यहाँ पे लगाना है, ये देखिए आगे में फिर से बीड्स कैप, फिर ये ब्लैक क्रिस्टल, फिर एक कैप लगाया है, फिर गोल्डन बीड है, फिर कैप्स और ब्लैक क्रिस्टल, और ये फिर से एक गोल्डन बीड, देखिए इस तरह से लगा लेना है। अभी इसके आगे में हमें फिर से इसी तरह से ये ब्लैक बीड्स लगा लेने हैं इस तरह से। यहाँ पे एक लॉक लेके अभी आगे में फिर से ये एक स्टॉप बीड लगा लेना है इस तरह से। मैं सुई में 70 सेंटीमीटर का थ्रेड लगा लेना है, स्टॉप बीड लगाया है। अभी यहाँ पे ये जो लॉक है इसमें से सुई को निकालेंगे इस तरह से। अभी ये जो ब्लैक बीड से इतने ये धागे में भी लगा लेने हैं इस तरह से बनाएंगे। अभी ये जो सेंटर के गोल्डन और ये ब्लैक क्रिस्टल्स है और ये गोल्डन है, इसमें से सुई को निकाल लेना है।
देखिए इस तरह से ये सभी सेंटर के जो ब्लैक बीड और गोल्डन बीड्स है इसमें से सुई को निकाल लेना है। ये देखिए ऐसे इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से ये जो ब्लैक बीड से इतने ये धागे में भी लगा लेने हैं। ये देखिए ऐसे इस तरह बना के फिर से ये सुई को ये लॉक में से निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी हमें इसके ऊपर में ये जो दो धागे हैं इसके साथ हमें पूरा टाइट नॉट लगाएंगे। 6-7 बार हमें ये नॉट लगाना है कि ये जो लॉक में जो होल है इसमें से ये धागा निकले नहीं। इस तरह से 6-7 बार इसको लगा के ये जो थ्रेड है इसको कट करना है। देखिए इस तरह से ये इस तरह का थ्रेड है इसको कट करेंगे। इसी तरह दोनों साइड में लगा लेना है। और ये हमारा मणि मंगलसूत्र न्यू डिज़ाइन बन गया है। देखिए इसकी जो हाइट है ये 22.5 हो गई है इस तरह से। अगर आपको इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए, लंबाई चाहिए ज़्यादा, तो ये ब्लैक सीड बीड से इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह बनाने में आसान और न्यू डिज़ाइन का ये मणि मंगल सूत्र बन गया है। कैसे लग रहा है आपको?